अदम मुबारक बरामद होंगे। जिन हजरात को अदम उठाना है वो मीसम नूरानी, साकिब मर्चेंट और नाजिम भाई भूजवाला से कॉन्टेक्ट करें, रुजू करें। मीसम नूरानी, साकिब मर्चेंट और नाजिम भाई भूजवाला से रुजू कीजिए। जिन हजरात को शबे सात मुहर्रम से अदम मुबारक लेना है।
वो जनाब मुश्ताक भाई कॉन्ट्रैक्टर मुश्ताक भाई से राबेता करें, इसलिए सवाब जारिया यानी ऐसा सवाब जो जिंदगी में भी जारी रहता है और मरने के बाद भी उस सवाब का सिलसिला जारी और सारी रहता है। मरने के बाद भी बाकी रहता है, तो 5 मिनट में आपसे लेना चाहता हूँ इस ज़िम्न में। रिवायत में बाकायदा है, मसलन आपने किसी मस्जिद में नल लगवा दिया, किसी मस्जिद में पंखा लगवा दिया, किसी मस्जिद या इमामबाड़े में चटाई या कालीन दे दी, अब जब तक उस नल से लोग वजू करेंगे, जब तक उस टंकी से पानी इस्तेमाल होगा, लोग यूज करेंगे, जब तक नमाजी या अजादार पंखे का इस्तेमाल करेंगे, आपके नामा आमाल यानी अकाउंट में सवाब जमा होता रहेगा। यह है सवाब जारिया। जब तक चटाई पर नमाज होगी या लोग अजादारी मजलिस सुनेंगे, इसी तरीके से मिसाल के तौर पर रिवायत में है कि माँ बाप के मरने के बाद, थोड़ा सा साउंड खराब कर, माँ बाप के मरने के बाद अगर वालिदैन औलाद ये चाहती है कि अपने वालिदैन के हक में कोई नेक काम अंजाम दे, तो रिवायत में बाकायदा है कि मसलन अपने वालिदैन के नाम से ऐसी किताब मार्केट में शामिल कर दे जो घर घर की ज़रूरत है, जैसे मफातीहुल जिनान है, तोहफ़तुल अवाम है, वज़ाइफ़ुल अबरार है, ये छोटे छोटे किताबचों की ज़रूरत नहीं, ये बहुत हो चुके। या मसलन अपने वालिदैन के नाम से किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लें, अगर वो सही तालीम हासिल कर रहा है, चाहे मौलाना बन रहा हो या डॉक्टर बन रहा हो, तो जितना तालीम हासिल करेगा और उसके इल्म से कौम को जितना बेनिफिट और फायदा पहुंचेगा, ये पूरा सवाब सवाब जारिया बनकर तुम्हारे माँ बाप के नाम आमाल में जमा होता रहेगा। लिहाजा सवाब जारिया पर पूरी एक मजलिस है जो कभी इंशाल्लाह खिताब होगी, तो ऐसे काम अंजाम दीजिए कि मरने के बाद जिसका सिलसिला बाकी रहे। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो अब तक की जो मेरी गुफ्तगू है इंशाल्लाह आपके जहन में होगी, वो गुफ्तगू क्या, ये जनाब आदम से हमने अपनी गुफ्तगू शुरू की, ये परवरदिगार ने जितने नबी भेजे 1,24,000 अंबिया, उसमें 313 बड़े रसूल और 313 में 5 बड़े रसूल, ये नॉलेज के लिए बच्चे जहन में रखें कि सारे जो पैगंबर हैं, पैगंबर क्या है, मैसेंजर ऑफ गॉड, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये मैसेंजर है, मैसेज पैगाम लाने वाले, ये पैगंबर नबी, ये पूरे के पूरे आदम से पैगंबर तक सब नबी हैं, लेकिन 1,24,000 में नबी तो सब है लेकिन रसूल सिर्फ 313 है, कि रसूल की डिग्री जो मकाम है वो नबी से बड़ी है। और इन रसूलों में जो 313 है उसमें 5 बड़े बड़े हैं, जैसा कि मैं बयान कर चुका, जनाबे नूह, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा, जनाबे इब्राहिम और हमारे पैगंबर, ये 5 बड़े, ये 5 क्यों, ये 5 नबी भी हैं, रसूल भी हैं, सुन लीजिए, और ये 5ों के 5 उलुल अज़्म है, ये इनका मकाम सबसे आला है। इन 5 में भी 2 बड़े हैं, इब्राहिम और हमारे पैगंबर, क्यों, इसलिए कि ये दोनों नबी भी, रसूल भी, उलुल अज़्म भी और दोनों इमाम भी हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो। और उसके बाद जो है इन 5 में सबसे बड़े हमारे रसूल के रहमतुल्लिल आलमीन। आज आपके नॉलेज के लिए ये जहन नशीन कर लें कि 1,24,000 अंबिया आदम को आकर 35-40,000 साल हुए, लेकिन दुनिया को बन के लाखों साल हो चुके, आदम से पहले दुनिया बनी लाखों साल बल्कि करोड़ों साल, जैसे रिवायत में है कि आदम का स्टेच्यू बनने से
9 लाख साल पहले अल्लाह ने मोहम्मद अली फातिमा के नूर को खल्क किया। ये जहन में रख लीजिए, बिल्कुल मोतबर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इसमें हम शक करें तो इस्लाम और ईमान से खारिज होंगे। मैं अगर दाएं बाएं न देखूं तो, लेकिन आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। तो कहने का मकसद ये कि भाई क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आदम, ये पहले आदम जो पहली मजलिस में थे उन्होंने सुना, ये आदम कोई पहले आदम नहीं, इससे पहले भी आदम गए। इसलिए कि आदम के आने से पहले जमीन पर जिन्नात भी थे, जानवर भी थे, हिरने भी थे, सब कुछ थे। लेकिन चूंकि हम सब ये दुनिया औलादे आदम है, जो ये आदम और हव्वा है, और ये आदम और हव्वा का जो सिलसिला है, ये आदम के दो बेटे काबिल और हाबिल, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और काबिल शैतान के शिकंजे में चला गया। और आज तक दुनिया में जो बुराइयां हैं, बुत परस्ती, जुआ, शराब, जिना, झूठ, जितने गुनाह हैं, कबीरा सगीरा, शिर्क, कुफ्र, निफाक, ये सब के सब काबिल और शैतान का नतीजा है। शैतान ने काबिल को बहकाने में, और काबिल ने क्या किया, हाबिल को तो कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ने हाबिल को एक और बेटा दे दिया। जब हाबिल मारे गए, उस वक्त उनकी बीवी जो थी, वो उनके शिकम में बच्चा था, लिहाजा आदम को जब पोता मिल गया तो उसका नाम हाबिल सानी रख दिया, दूसरा हाबिल। फिर अल्लाह ने कुछ साल के बाद आदम को शीश दिया नबी, और ये शीश दिया बाकायदा ये कहकर जिब्रील ने, जब ये शीश से पूरी नस्ल आगे बढ़ेगी कयामत तक, और ये शीश नबी बनकर आएंगे कि जिनमें नूरे मोहम्मदी और नूरे अली छिपा हुआ है। और शीश को और एक भाई दे दिया, जनाब याफस, और उसके बाद शीश, याफस और हाबिल सानी। शीश की और याफस की शादी हुरा ने जन्नत से हो गई, और फिर दोनों भाइयों के बच्चों में शादियां हुई, और फिर इस तरीके से चचेरे, ननेरे, मुमेरे रिश्ते बढ़ते हुए आप तक, हम तक पहुंचे। ये यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई। लेकिन शीश के जो बेटे हैं वो जनाब अनूस हैं, अनूस के जो बेटे हैं वो जनाब कीनान हैं, ये सब वसी हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि अंबिया कहाँ गए, तो इतना सुन लीजिए, कुरान में भी 24 से 30 के बीच में अंबिया का जिक्र किया, 24 या 26, या बहुत ज्यादा अगर निकाले तो 30, लेकिन 26 से ऊपर कुरान में नाम नहीं है। तारीख अंबिया जितनी मैंने निकाली, टटोली, रिसर्च किया, उसमें भी 100, 150, 200 उससे ज्यादा नाम नजर नहीं आते। लेकिन आज जब आप बहुत कुछ सुनेंगे और बहुत महसूस होंगे, और जब आप महसूस होना तो मुझे दुआ मत करना, सलवात पढ़ते बार मोहम्मद वाले, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है साउंड का, साउंड खाली बढ़ती बढ़ती कर। और जनाबे शीश के जो बेटे अनूश, अनूश के बेटे कीनान, और कीनान के बेटे महलाइल। ये महलाइल क्या है जरा सुन लीजिए, मैं सारे नबियों को पूरा करके रहूंगा, फिक्र मत कीजिए, वो पुलिस को आने दीजिए, माइक का टाइम होने दीजिए, मैं मराठी आदमी हूँ, निपट लूंगा। कहने का मकसद क्या है, ये जो महलाइल है, महलाइल कौन है, जनाब आदम के पर पोते, शीश के पोते या पर पोते। अब इतना आज नॉलेज में सुन ले, हो सकता है ये पहली बार कोई सुन रहा हो। ये जनाब महलाइल जो नेक है, वसी है, खलीफा है, इसलिए कि अनूस शीश के बेटे, अनूस के बेटे कीनान, और कीनान के बेटे महलाइल अलैहिस्सलाम। ये महलाइल इतने खूबसूरत, सुन लीजिए, मैं पूरी डिटेल अगर बयान करूं बारीकी से तो अरबईन आ जाएगा और सिलसिले बयान खत्म नहीं होगा। जनाब महलाइल को अल्लाह ने इतना हुस्न व जमाल दिया, इतनी खूबसूरती दी, इतनी हुस्न व जमाल। एक नुक्ता यह भी सुन ले आपके नॉलेज के लिए, खूबसूरती अलग चीज है किसी के फेस के ऊपर, और चेहरे का नूर होना अलग चीज है। मसलन आप अमेरिकन गोबर, लाली लिपस्टिक लगा के अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं, नूरानी नहीं बना सकते। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, या आप जितना भी लाली लिपस्टिक, जितना भी मेड इन अमेरिका, इसराइल, चौपड़ ले, लगा ले, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, आप मेरे चेहरे पर पसीना देख रहे हैं, है ना।
अगर मैं लाली लिपस्टिक और ये दुनिया भर की चीजें लगा के मिंबर पर सर धज के आ गया, बहुत चमकेगा चेहरा, लेकिन अल्लाह ने आवाज दी कितना भी सजा ले मेरा एक पसीना तेरे चेहरे को धुल देगा। तो वैसे तो हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक रिसेप्शन चल रहा था और उस रिसेप्शन में जितनी औरतें थी वो बंठन के आई, और औरतों के अंदर एक फितरत, ये फितरत बोलिए या यूं कहिए फितरत और आदत अलग अलग है, औरतों के अंदर एक मिजाज है अक्सरियत हर औरत में। मैं अपनी मोमिनात माँ बहनों की बात नहीं कर रहा, इन पर तो लाखों सलाम है कि इनके बड़े मरातिब हैं, हमसे ज्यादा आजादारी करती हैं, हमसे ज्यादा मजालिस हैं, और शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने आपको फातिमा की कनीजों जैसी ये बीवियां अता की जो आपको लेकर चलती हैं, वरना ये मर्द किसी जमाने में बहुत ही खतरनाक थे और आज भी खतरनाक। इसलिए मैं पहली बात ये भी कह रहा हूँ, जैसे पहली मजलिस में कहा था कि आदम का महर क्या है, सलवार। अब आप खुद सोचिए कि आदम और हव्वा का महर अल्लाह ने सलवात करार दिया रसूल अले रसूल पर, ये भी आपकी खुशनसीबी है कि ये महर कोई फिरका अदा नहीं करता सिवाय तुम्हारे, और ये शायद तुम्हारे नसीब में आया कि आदम का महर सलवात है, लिहाजा आज भी हम सलवात पढ़ के अपने आपस में औलाद आदम होने के नाते एक दूसरे का महर अदा करते रहते हैं। सलवात पढ़ते और मोहम्मद वाला आज माइक से जे प्रॉब्लम जास्त है, साउंड प्रॉब्लम। तो जनाब आदम जो है, तो जनाब अनूश कीनान और महलाइल, मेरी बात कहाँ से कहाँ तक जा रही, तो ये भी सुन लीजिए वरना बात रह जाएगी, सवाल भी है ना वो भी ऐड करना होते हैं। ये मर्द के ऊपर औरत का महर अदा करना वाजिब है, इसलिए कि पूरे इस्लाम में निकाह तीन चीजों का नाम है, क्या? एक महर, वो भी अदायगी खाली नाम नहीं, दूसरी चीज क्या है, सीगा निकाह, अनका तो जवज तो कबिल तो, और तीसरी चीज क्या है, दावत वलीमा। इन तीन चीजों में भी वलीमा मुस्तहब है, खिलाइए नहीं तो मत खिलाइए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुस्तहब है, वरना दो चीजें कंपलसरी है, महर की अदायगी और उसके बाद मौलाना का सीगा निकाह जारी करना, और इन दोनों चीजें में भी शर्त है कि पहले महर दे फिर निकाह होगा। वो बेचारे मौलाना को क्या मालूम कि इसने महर दिया कि नहीं, लिहाजा निकाह होता है और मालूम हुआ आज तक 70 साल के हो गए, और जब पूछा गया महर की रकम मिली कब, वो तो उन्होंने पहली रात ही माफ करवा दिया। अब ऐसा भी तो हुआ कि भाई जिसने पहली रात अपना महर तुझ पे माफ कर दिया, फिर क्या वजह थी कि तूने उसको तलाक दिया, मेरा सोचने की बात थी। जब उस औरत ने पहली रात महर की रकम माफ कर दी, इसलिए कि उसने तुझे अपना मजाजी खुदा समझा, शरीक हयात, फिर तुझे तलाक देते वक्त माफी का ख्याल नहीं आया कि मैं भी गलतियों को माफ करके इसे सारी जिंदगी के लिए हवा बना लूं, सारी जिंदगी के लिए शरीक हयात बना लूं। लिहाजा आज सोसाइटी में बहुत जुल्म हो रहा है बीवियों पर, औरतों पर, लड़कियों पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हमारे सामने जितने केसेस आते हैं उसमें कभी कभी जहाँ मर्द जालिम ठहरते हैं वहां लड़कियां भी बड़ी खतरनाक सामने आती हैं, औरतें, ऐसे ऐसे मसले आते हैं। मसलन एक बहुत केस आते हैं मेरे पास, एक शौहर को मैंने पकड़ा, ये जनाब बीवी को क्यों अजियत दे रहे हो तुम, दोनों पहचान के थे, शनासाई थे, आपकी बीवी ये कह रही है जब आपकी वालिदा उसे अजियत देती है यानी सास, तो शौहर से वो कहती है रात में ड्यूटी से आने के बाद ऑफिस से, तो शौहर ये कहता है बेगम सब्र करो, तो क्या शौहरों के लिए सब्र की आयत इसी मौके पे बनी है? यही सब्र की आयत वो अपनी अम्मा की खिदमत में क्यों नहीं कहते कि भाई माँ तुम्हारी जिंदगी हो चुकी है, जरा तुम भी सब्र से काम लो, हो सकता है कल तुम्हारी सास ने तुम पर जुल्म किया हो। ये बड़ा खतरनाक जुमला है कि सब्र करो, नहीं, चाहे शरीयत की बात है, अहले बैत की बात है, वह माँ बाप बहन भाई बीवी कोई भी हो, अदब के दायरे में, अदब के दायरे में, मगर समझाना आपका फर्ज है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस मजमे में अभी तक जिसने जिसने महर नहीं दिया है वो मजलिस के बाद अदब से जाके अपने अपनी बीवियों का महर अदा कर दे, चाहे 5 लाख रुपये हो या 125 रुपये हो या 50 तोले सोना हो। ये तो बांधने से पहले समझना चाहिए था कि इतना क्यों बांधा,
आप इतना भी सुन ले आज नॉलेज के लिए, ये महर की रकम इतनी मुतबर्रिक है इस्लाम के अंदर कि इस्लाम में हर चीज पर खुम्स वाजिब है। सुनिए आप क्या सुन रहे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन महर की रकम के ऊपर ता कयाम कयामत खुम्स वाजिब नहीं है। अगर शवर ने महर की रकम बीवी को दे दी और बीवी ने उस रकम चाहे करोड़ हो, एक लाख हो, जो भी हो, उसे फिक्स कर दिया, जहां भी रख दिया, जब तक वो रकम असल महर की रखी रहेगी उस पर खुम्स नहीं, पाक है वो, उस पर जो बेनिफिट चढ़ेगा सिर्फ उसका खुम्स देना होगा। इतनी मुतबर्रिक है, पूरी पांच मजलिस पढ़ सकता हूं मैं महर की अजमत के ऊपर, लेकिन वक्त नहीं है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो नतीजा क्या हुआ कि जनाब अनूश और उनके बेटे कीनान और महलाइल सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आगे आ जाइए, जनाब शीश के पोते, आदम के पर पोते या शीश के पर पोते, ये सुन लीजिए कि जनाब महिलाई का हुस्न, इतना हुस्न, तो हुस्न खूबसूरती अलग चीज है और नूरानियत अलग चीज है। तो ये हुस्न कैसे मिलता है खूबसूरती? खूबसूरती मिलती है, ठीक है, दुनियावी तौर पर आप लाली लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, पाउडर लगाइए, सुरमा लगाइए, काजल लगाइए, बनाओ, सिंगार कीजिए, आपका चेहरा खूबसूरत होगा, लेकिन चेहरा नूरानी कब होगा? जब आप नमाज शब पढ़ेंगे, जब आप हमेशा बावजू रहेंगे, जब आप रोजाना ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे, जब आप अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, जब आप अपने बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करेंगे, जब बीवी शवर को शवर समझेगी और शवर बीवी को फूल समझेगा, तो अब चेहरा खूबसूरत नहीं होगा, कुदरत की तरफ से नूरानी होगा। और जो चेहरे तकवा अमल और अकीदे की बिना पर नूरानी हो जाते हैं मरने के दम तक, फिर उन चेहरों को सूरज तो कुछ कर सकता है, कब्र की मिट्टी नहीं खाती। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जनाब महिलाएं, अल्लाह ने इस कदर उनके चेहरे पर नूर और हुस्न और जमाल कुदरती अता किया, इस कदर कि जनाब महलाइल के नूरानी और हुस्न के चेहरे को देखने दूर दूर से लोग आते थे, कतार लग जाती, और जनाब कीनान कहते ये मामला क्या था, आपके बेटे को देखने आए हैं। यहाँ तक के तारीख ने लिखा कि महलाइल का चेहरा इतना खूबसूरत, हसीन और जमील कि महलाइल अपने चेहरे पर कपड़ा डाल दिया करते थे, चादर, और सर झुका कर चलते थे ताकि लोग देखने ना पाए। लोग गिफ्ट और तोहफे लाकर देते थे महलाइल को, लेकिन जनाब महलाइल का जब इंतकाल हो गया और उनके बच्चे जिंदा रहे, तो शैतान महलाइल के बच्चों के पास आ गया। शैतान का, तुम्हारे लोग तुम्हारे बाप का दीदार करते थे, तोहफे देते थे, गिफ्ट दिया करते थे, और लोग कतारें बनाते थे, दूर दूर गांव से आते थे, लिहाजा तुम्हारे बाप ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि अब लोग तुम्हें भूल जाए और तुम्हारे चचा और चचेरे भाइयों की तरफ दौड़ पड़े, लिहाजा क्या करो? उन्होंने पूछा क्या करें? कहा सुनो, मैं तुम्हारे बाप के चेहरे का स्टेच्यू बना देता हूं। तुम क्या करो कि तुम्हारे बाप अपनी जिंदगी में चेहरे पर क्या डालते थे? चादर, मैंने कहा ना कपड़ा डालते थे, कहा उनका स्टेच्यू मैं बनाता हूँ। इसलिए शैतान को सारे इख्तियार है, उसने महिलाइल का फेस चेहरा स्टेच्यू बनाया और उनके बेटों से कहा इसको कपड़ा डाल के घर के कोने में रख दे। अब जब लोग आए तो कहा आओ हमारे बाप की ज्यारत करो, इन्होंने हमेशा की तरह कपड़ा डाल के रखा है, और जो कोई जिद करे तो कपड़ा उठा के दिखा देना। और नतीजा यह हुआ कि वहां से आदम के घर में, शीश के घर में बुत परस्ती का दाखिला हो गया। आप मेरे पॉइंट को समझिए, शैतान के हमलों से नबी के बच्चे नहीं बचते तो उम्मत के बच्चे क्या बचेंगे? ये शैतान जो है,
ये खून में ऐसे शामिल हो जाता है जैसे सलाइन शामिल होता है ग्लूकोज इंजेक्शन। शहीद मेहराब ने लिखा है, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने, मैंने वो पढ़ा नहीं, कभी पढ़ूंगा, शैतान ने औलाद आदम के सीनों में अपना घर बनाया है। कहां पर? सीने, चेस्ट। और इसीलिए चार कुल में एक सूरा है, यवस्वसो फी सुदूर नास। सुदूर जमा है सदर की, सुदूर सदर यानी ये सीना, चेस्ट, छाती। तो ये सीनों में वो आदम के बच्चों के, हमारे आपके घर बना लेता है, यानी बैठता है, अंडे देता है, बच्चे होते हैं और ये खून में शामिल हो जाते हैं। कितना भी मजलिस सुने, कितना भी मजलिस सुने, कितना भी मजलिस सुने, कैसे ही बाहर निकला फिर निगाह गलत उठने लगी, ये क्या है? कितना भी मजलिस सुने, नौ रबीउल अव्वल खत्म हुई फिर टीवी के ऊपर गाना सुन रहा है, ये सीने में उसने घर बना दिया है। इसलिए बहुत कठिन मंजिल है। सलाम कीजिए उन उलमा को और नेक मोमिनीन को जो शैतान से हटके रास्ता बनाते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये किसी को नहीं बख्शता है। क्यों? इसलिए कि वो कहकर चलाता कि तेरे जो खास बंदे होंगे उनको नहीं बहकाऊंगा। और इसलिए शैतान ने नबियों से मुलाकात की। बहरहाल एक अलग टॉपिक बनेगा। और जनाब महलाइल के बाद, जनाब महलाइल के बाद क्या हुआ? अल्लाह ने उनको एक बेटा दिया, उतने बेटों में एक नेक बेटा जिसका नाम यारिद या यरुद था। और जनाब यरुद को अल्लाह ने फिर नेक बेटा दे दिया, उसका नाम जनाब अखनूख। ये अखनूख कौन है? जिनको हम जनाब इदरीस पैगंबर कहते हैं। अखनूख उनका नाम है और इदरीस उनका लकब है। अब ये इदरीस को इदरीस क्यों कहते हैं? अलिफ दाल रे ये और सीन, आई डी इद आर आई एस इदरीस। तो ये इदरीस बना दर्स से, दर्स इदरीस। दर्स यानी क्या? अरबी फारसी में दर्स कहते हैं लेसन, सबक, टीचर जो पढ़ाता है लेसन, उसको कहते हैं दर्स। जनाब अखनूख यानी इदरीस, ये अखनूख थे। लेकिन चूंकि अल्लाह के हुक्म से सहीफे अल्लाह ने दिए, किताबें सहीफों का दर्स देते, लेसन, अंबिया की सुन्नतें बताते, इस्लाम की तालीमात बताते और अल्लाह की मारिफत का लोगों को दर्स देते। और इतना दर्स दिया कि नाम क्या पड़ गया? इदरीस। जरा जोर से बोला कीजिए, आपकी हरकत में मेरे बयान में बरकत आएगी। लिहाजा हरकत जरूरी है, वरना फिर कहीं भी हरकत मत रखिए। तो कहने का मकसद क्या है? दर्श देते देते इनका नाम इदरीस पड़ गया, वरना इनका नाम अखनूख था। और ये जनाब इदरीस पैगंबर, जैसे मैंने अर्ज किया कि हर नबी ने ज़राअत की, खेती, लेकिन इदरीस ने खेती नहीं की बल्कि खयाती, टेलर बन गए दर्सी। और ये भी सुन लीजिए, ये एक नया फिक्रा कि जनाब इदरीस का मकान कहाँ था? हाउस, घर। जनाब इदरीस का घर था मस्जिद सहला। ये मस्जिद सहला कहाँ है? बोलो बेटा, कहाँ है मस्जिद सहला? कहाँ है? आप मत बोलिए। मस्जिद सहला जो है ये नजफ अशरफ, जहाँ मौला का रोजा है वहां पर है। अब आप सभी जानते, मेरी आदत है, बात से बात निकलती है तो फिर टर्न ओवर हो जाता हूँ। तीन मस्जिदें बड़ी अजीम हैं, एक तो मस्जिद उल हराम, मस्जिद नबवी, एक मक्का में, एक मदीना में। लेकिन हमारे लिए, खुसूसन शियों के लिए, तीन मस्जिद, मस्जिद सहला, मस्जिद कूफा और मस्जिद साहिबुज़्ज़मान जमकरान। मस्जिद सहला नजफ में, मस्जिद कूफा कूफे में और मस्जिद साहिबुज़्ज़मान जमकरान ईरान में, कुम से 10 किलोमीटर के फासले पर। ये तीनों मस्जिदें वो मस्जिदें हैं जहां पर हर शबे जुमा या शबे बुध इमाम ज़माना तशरीफ लाते हैं। मोमिनीन आगे आ जाइए, आपसे गुजारिश है, 5 मिनट जाते हैं, आप आगे आ जाइए, पहले ही आ जाइए। भाई जो पीछे है वो पब्लिक को नांगते हुए आ जाए, लेकिन इसमें 5 मिनट हर साल चले जाते हैं। वालेकुम सलाम। और महम्मद वाले महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
نجف میں, اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے. یہ مسجد سہلا نجف میں, مسجد کوفہ بھی کوفہ میں, اس لیے کہ کوفہ اور نجف بالکل پڑوس میں, بلکہ نجف کوفے کی پشت ہے, پچھلا حصہ. اور مسجد جمکرن قوم ایران سے 10 کلومیٹر پر امام کے حکم سے بنی. یہاں کے اعمال آپ سبھی جانتے ہیں جو زائرین ہیں. اور علماء کا جب ٹاپک آئے گا کبھی, میں پڑھوں گا یہاں پر, تو اس میں گفتگو ہوگی کہ باقاعدہ مقدس اردبیلی اور علامہ ہندی جیسے علماء نے مسجد کوفہ اور سہلا میں جا کر امام زمانہ سے ملاقات کی, کوشچن کے انسر لیے, اور وہ انسر آج کتابوں میں موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ واقع اعمال ہے. جناب ادریس کا مکان مسجد سہلا, اور اسی مسجد سہلا میں وہ رہتے ہیں, مکان تھا, اور وہیں پر رہ کر کپڑے سیتے بھی تھے اور دوسروں کو سینا سکھاتے بھی تھے. اور یہاں تک کہتے تھے لوگ اسے کہ اپنی نمازیں مسجد سہلا میں پڑھو, کہ یہاں کی نماز اور دعائیں ہر زمانے میں قبول ہوں گی. اور کیا کہتے تھے, پڑھو 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 کہ اس زمین کے اوپر ایسی ہستی آنے والی ہے جو ہم سب کا فخر ہے. اب یہ فضیلت دے رہا ہوں میں آپ کو, کتنا پیارا اشارہ ہے, اس زمین پر ایسی ہستی آنے والی ہے جو ہم سب کا, ہمارے انبیاء کا فخر ہے, فخر انبیاء. یعنی اشارہ کیا, امیر المومنین. تو کہنے کا مقصد, اب وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کتنا ثواب. اور یہ بھی کہتے تھے کہ جس کی کئی دعا قبول نہ ہوتی, آج بھی روایت میں ہے کہ وہ مسجد میں جائے, اپنی مسجد میں, اس کے محراب میں, یا پھر مسجد سہلا کوفہ جمکرن میں. ایک الگ ٹاپک, کپڑے سیتے, درس دیتے, مسجد سہلا میں رہتے, اور یہاں تک کہ وہیں سے انہوں نے اسلحہ بنانا شروع کیا. یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اسلحہ, ہتھیار کی ایجاد کی, کپڑا سینے کی ایجاد کی, کپڑا سلنا سکھایا, کپڑا پہننا سکھایا. اس لیے کہ پہلے, ادریس سے پہلے لوگ پتوں کے کپڑے پہنتے یا چمڑے کے کپڑے پہنتے, ابلیس نے یہ کپڑے کی ایجاد کی, جیسے میں اس زمانے میں رہا ہوں. اور یہ بھی سن لیجیے, ایک جناب ادریس علیہ السلام نے جہاں ان باتوں کی ایجاد کی, وہاں پر یہ جو جہاد لفظ ہے, جہاد, اس کی بھی ایجاد جناب ادریس نبی نے رکھی. یعنی کپڑے سیلنا, ترجیح بننا, کپڑے کاٹنا, کپڑے پہننا, جہاد کرنا, اسلحہ تیار کرنا, دشمن سے لڑنا, یہ ساری چیزیں جناب ادریس نے اس کی ایجاد کی. اور سب سے خاص چیز جو ہے وہ کاغذ پر قلم چلانا, یہ بھی ادریس نے ایجاد کیا. اب یہ جناب ادریس, یہ بمشکل 300 سال یا 365 سال, اختلاف بہت ہے لیکن معتبر جو اہل بیت سے, 300 سال یا 365 سال جناب ادریس زندہ رہے. لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ جناب ادریس مرے نہیں, آج تک زندہ ہے, کہ اللہ نے 365 یا 300 سال کے بعد جناب ادریس کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا. اب یہ بھی آپ کے نالج میں رہے کہ 4 نبی آج تک زندہ ہیں, مرے نہیں, مکتب اہل بیت سے. پہلے جناب ادریس, جناب خضر, جناب الیاس, جناب عیسیٰ, اور ان سب کے اوپر ہمارے اور آپ کے آخری امام. پہلا جملہ ذہن میں رکھیں, یہ پہلے نبی ادریس ہیں جن کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. خدا کی مصلحت خدا بہتر جانے, اس کے اوپر کسی کو حق نہیں ہے آبجیکشن لینے کا, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بہرحال جناب ادریس آسمان پر چلے گئے. اب جناب ادریس علیہ السلام آگے بڑھے, اور جناب ادریس کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. جناب ادریس کو ایک بیٹا, آسمان پر چلے گئے لیکن ایک بیٹا ہے, اور اس بیٹے کا نام کیا ہے, متوشلخ. یہ متوشلخ دیکھیں کیسے کیسے نام ہیں. یہ جناب ادریس کے بیٹے, ادریس نے اپنا خلیفہ ان کو بنا دیا, اور جناب متوشلخ باپ کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں, لوگوں کو خدا کی دعوت دے رہے ہیں. اور متوشلخ جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے جناب لمک یا جناب لامخ, دو نام شیعہ کتابوں میں ہیں, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں, لمک یا لامخ, لمک کو متوشلخ نے اپنا وزیر بنایا. یعنی ادریس کے بیٹے لمک متوشلخ, اور متوشلخ کے بیٹے لامخ, اور لامخ کے بعد پھر اللہ نے سلسلے کو جب آگے بڑھایا
تو جناب لامخ کو اللہ نے وہ بیٹا عطا کر دیا جسے ہم جناب نوح پیغمبر کہتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو اب یہ آپ کے ذہن میں آ گیا سلسلہ جناب آدم سے جناب نوح تک, یہ سلسلے انبیاء ہے. اور اس میں یہ بھی ذہن میں آپ رکھ لیں کہ جناب متوشلک کی جب 127 سال کی عمر ہوئی تب اللہ نے ان کو لامخ نام کا بیٹا دیا. اور جناب متوشلک اس دنیا میں غالباً 980 یا 800 سال زندہ رہے, اور اس کے بعد جناب لامخ بھی اس دنیا میں 900 سال زندہ رہے, اور اس کے بعد جناب نوح کا سلسلہ آگے بڑھا. اب یہ جناب نوح کو آپ دیکھ لیجئے, ذرا سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچا. یہ میں نے ساری گفتگو رکھی, ڈی وی ڈی تو بن رہی ہے. بہت باتیں ہیں جو میں اگنور کر رہا ہوں نظر انداز, اس لیے کہ اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کروں تو ایک مجلس میں 12 بچ جائیں گے, اور 12 آپ کے نہیں میرے بجیں گے, مائک کے بجیں گے, چیور دلاس کے بجیں گے. اب دو مانا میں 12 ہیں, اس لیے کہ مجلس 10 بجے کی جگہ 12 بجے ختم ہوگی اور دوسرے انداز میں 12 بج جائیں گے. میں گر پڑوں گا, پولیس مائک ہٹا دے گی اور دوسرے دن پابندی آ جائے گی. بہرحال بہت سارے پوائنٹ چھوڑ رہا ہوں جو کبھی کسی اشرے میں بیچ میں لاؤں گا. اب اس کے بعد متوشلک کے بیٹے لامخ یا لمک اور ان کے بیٹے ہمارے اور آپ کے جناب نوح. یہ جناب نوح کون ہے؟ یہ پہلا پیغمبر ہے, پہلا پیغمبر ہے جسے اللہ نے نبی بھی بنایا, رسول بھی بنایا, کتاب بھی دی. اور یہ بھی سن لیجئے کہ بہت بڑی زندگی, حیات اور لائف اور ایج دے دی. سوچئے آپ کتنے نبیوں کی میں نے عمر بتائی. جناب ادریس 365 سال رہے, جناب شیش 912 سال, جناب آدم 936 سال, باقی کے کوئی 800 سال 600 سال, لیکن جناب نوح 2500 سال زندہ رہے. 2500 سال لائف. اگر ہم میں سے کسی کو اتنی مل جائے تو پھر تو بمبئی کی خیر ہی نہیں, کوئی بھی اس کے ہاتھ سے بچ نہیں پائے گا. اس لیے کہ 60 سال میں یہ حالت ہے کہ سب کی غیبت کرتا ہے, ماں باپ کو اذیت دیتا ہے, مجلس نماز سے دور بھاگتا ہے. 2500 سال میں تو ستیہ ناسی کا بازار مچا کے رکھ دے گا, لیکن نوح کو 2500 سال کی زندگی ملی. اور 2500 سال کے بعد ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے پہنچے, اس کی جناب نوح کی. آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ سلوات پڑھتے پر محمد و آج ویسا مجھے ابھی آپ محسوس ہوں گے انشاءاللہ. آپ فکر مت کیجئے, مجھے آج ویسا مائک نہیں مل رہا جیسا روز رہتا ہے, پتہ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جناب نوح کی خدمت میں ملک الموت ہے 2500 سال کے بعد. سن لیجیے, یہ بیچ میں بڑھا ہوں جب حالات نوح ہیں. تو جناب نوح تھے تھوک میں بیٹھے ہوئے, تھوک میں ملک الموت کھڑے ہو گئے. نبی تو پہچانتے ہیں, کہا کیوں آئے ملک الموت کا روح قبض کرنے؟ اب ملک الموت کی جگہ میں ہوتا اور نوح یہ پوچھتے کہ کیوں آئے, تو کیا کہتے ہم اور آپ؟ 2500 سال زندہ رہ کے بھی دل نہیں بھرا ہے نا؟ جناب نوح پوچھ رہے لماذا جیتا یا ملک الموت, کس لیے آئے؟ ملک الموت نے کہا سرکار آرڈر مل چکا ہے, چلو آپ کی روح قبض کرنے. تو جناب نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی اجازت دے دو کہ دھوپ میں سے چھاؤں میں آ جاؤں. دیکھیں اس کو کہتے ہیں موت. اب میں آپ کو اور لے جاتا ہوں چونکہ ٹاپک حالات انبیاء اور عظمت اہل بیت. جناب سلیمان کی حکومت ہر چیز پر ہے نا, ہر چیز پر حکومت. آئے گا سلسلہ ہوا پر, چرین پرین, جنات, انسان. یعنی جناب سلیمان کا تخت جہاں چاہے وہاں اڑ رہا ہے. تخت کے اوپر 600 کرسی, رائٹ میں 300 کرسی, لیفٹ میں 300 کرسی, بیچ میں سلیمان. سورج کی مجال کیا ہے کہ جناب سلیمان کے اوپر دھوپ آ جائے؟ لین سے پرندے پروں کو کھول کے بیٹھے ہیں جناب سلیمان کے پیچھے, قطار سے بیٹھے ہیں. حدود بھی ہے, طوطا بھی ہے, چڑیا بھی ہے, مور بھی ہے. کسی پرندے کی مجال نہیں سلیمان کی پرمیشن کے بغیر اڑ جائے. ایک بار حدود اڑ گیا, اب جب اڑا, جب ایک کھپریل ہٹے گا تو سورج کی کرن آئے گی ہے نا, ایک کویلو یا کھپریل ہٹے گا تو اجالا آئے گا. حدود اڑ گیا, سارے پرندے پر پھیلا کے کھڑے, وہ بیچارہ چلا گیا. اب سورج کی کرن سلیمان کے سر پر آئی, پسینہ آیا,
और ये कौन गया अगर सरकार हुदूद चला गया, कहा आने दो, बगैर परमिशन के गया है बचेगा नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि बेचारा गया और अच्छी खबर लाया। अब जो अच्छी खबर लाया मलिक बिल्किस की तो बच गया, वरना सुलेमान तख्त को जहां कहते वहां लेके जाते। और हवा क्या काम करती, अफ्रीका में कोई सुलेमान की हुकूमत की गीबत कर रहा है तो हवा फौरन खबर दे देती। ये बहरहाल कहां से काम में चला गया। लेकिन वो सुलेमान, सुन लीजिए आप, वो सुलेमान असा के सहारे खड़े हैं, तब आखिरी लाइफ में 300 बीवियां जनाब सुलेमान की, जनाब सुलेमान को 40 मर्दों की ताकत दी अल्लाह ने, 40 मर्दों की। इसके आपके माइंड को इधर उधर मत ले जाइए, तारीख है जो पढ़ रहा हूं, आप हंस रहे हैं उसमें मेरा नुकसान नहीं है। तो कहने का मकसद क्या है, रिवायत में है कि जब अली का शिया जन्नत में जाएगा, अली का शिया जब जन्नत में जाएगा तो परवरदिगार जन्नत में उसको 40 मर्दों की ताकत देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाला। मेरी बात कहां से कहां तक जा रही, जनाब सुलेमान सब पर हुकूमत महल तामीर कर रहे हैं, लेकिन जब असा के सारे खड़े हुए, अभी गुफ्तगु बाद में आई, मलकुल मौत आ गए। इसलिए कि सुलेमान सब पर हुकूमत ऑर्डर ये कि मेरी परमिशन के बगैर इस महल में कोई नहीं आएगा। और एक शख्स चला आया, सुलेमान ने कहा तुम्हें पता नहीं मेरा हुक्म क्या है, मेरी इजाजत के बगैर आ गए। कहा खामोश रहो, सरकार ऊपर के सरकार का ऑर्डर मिला है, मैं वहां का हुक्म मानता हूँ आपका नहीं। कहा कौन, मलकुल मौत? कहा अब सुलेमान कह रहे हैं, क्या रूह कब्ज करने आए? कहा इतनी इजाजत दे दो, सोचिए नुक्ते को समझिए, दाऊद का बेटा सुलेमान, दोनों बाप बेटे नबी अलैहिस्सलाम, जन्नत उनको वाजिब, हर चीज पर हुकूमत। लेकिन जब मौत सामने आई तो सुलेमान ने सिर्फ मौत को इतना कहा, मलकुल मौत को, कि जो खड़ा हूं तो इजाजत दो कि बैठ जाऊं। लेकिन मलकुल मौत क्या कहते हैं, सरकार ऊपर से ऑर्डर नहीं है, जिस हालत में खड़े हैं उसी हालत में रूह कब्ज करने का हुक्म है। तो सोचिए, अब बात समझ में आई कि जैसा ऑर्डर होता है वैसे काम होता है, चाहे नबी हो या उम्मत नबी। ज्यादा बच के रहिएगा और दुआ दीजिएगा माँ को कि उसने विलायत अली दूध में पिलाई है ताकि हिम्मत बन रही है। धूप से छांव में आ जाऊं, तो ठीक है छांव में आ जाइए, इजाजत मिल गई और रूह कब्ज हो गई। लेकिन मैं आगे की डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन इतना सुन लीजिए कि जनाब नू का नाम नू नहीं है, जैसे इदरीस का नाम इदरीस नहीं अखनूख, ऐसे नू का नाम क्या है, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल शकूर, अब्दुल मलिक। और क्या नाम है नू का, जनाब नू का अब्दुल आला। और एक नाम आठवें इमाम ने बताया कि जनाब नू का और एक नाम है जनाब सकन, सकन अब्दुल आला, अब्दुल शकूर, अब्दुल गफ्फार और अब्दुल मलिक। ये जनाब नू के नेम्स हैं, नू तो उनका लकब है। अब क्यों नू नाम पड़ गया, नू कहते हैं नौहा करने वाले को, नौहा पढ़ने वाला, और नौहा का पढ़ा जाता है गम में, मसाइब में, मुसीबत में। जनाब नू ने नौहा इतना पढ़ा, कितने साल, 2500 साल जिंदा रहे जनाब नू, 2500 साल में 950 साल कौम को तबलीग किया, कौम को समझाया, 950 साल कौम को समझाया, 200 साल के अंदर कश्ती तैयार हुई। इन्हें कितने साल में कश्ती बनी, नूह की कश्ती 200 साल में, 200 साल में कश्ती बनी। अब जरा सुन लीजिए, 950 साल तबलीग के, 200 साल कश्ती के, 500 साल रोते रहे जनाब नूह।
क्यों रोए उसके चार रीजन है। एक रीजन ये था कि खुजली वाले कुत्ते को देख लिया जनाब नूह ने, वाकयात है, इसको कहते तरके औला। एक मरीज खुजली शुदा कुत्ते को देखा, टॉक सग कल्ब, और जनाब नूह ने चेहरा सुकड़ लिया। तो चेहरे को जब सुकड़ा, भाई ऐसा कुत्ता है लादिन, चेहरे को सुकड़ लिया, मकरू है, हम भी सुकड़ते हैं। तो कुत्ता हुक्म खुदा से बोलने लगा, सुन लीजिए, ए नबी अल्लाह, मैं बीमार कमजोर लागिर, आपने मेरे चेहरे को देखा और चेहरे को सुकड़ लिया। कुत्ता कह रहा जनाब नूह चौंक गए, अबे तू बोल भी रहे, कहा इसलिए बोल रहा हूं, सुन लीजिए जहां तक आवाज जा रही, ए नूह, आप नबी है खुदा, मुझे खुजली का मर्ज है, दुबला हूं, पतला हूं, लागिर हूं, आपने मुझे देख के सूरत बनाई, लेकिन नू ये तो बता कि तुमने मुझे बनाया किसी या किसी और ने मुझे बनाया। तो नू ने कहा मैंने नहीं, खुदा ने तुझे बनाया। तो कहा तुमने जो सूरत बनाई तो मुझ पर नहीं बनाई, खुदा को बनाई। मोहम्मद तरके औला, मैंने पहली मजलिस में कहा तरके औला, जैसे आदम ने दरख्त का बीज खाया, हर नबी से तरके औला हुआ, लेकिन करोड़ों दरूद और सलाम हो अहले बैत रसूल पर, तो किसी सांस में भी वो काम अंजाम नहीं दिया जो खुशनूदी परवरदिगार से हटकर हो। तो जरा कुत्ता कहने लगा मुझे खुदा ने बनाया और अब सूरत बना रहे, तो उसने बनाया। और जनाब नूह फेरिया करने लगे, रोने लगे, रोने लगे कि हाय गजब, ये मुझसे क्या हुआ। और दूसरी रिवायत में है कि जनाब नूह को कौम ने बहुत सताया, बहुत सताया। अगर तारीख से पूछा जाए कि पैगंबर और अहले बैत को छोड़कर अगर तमाम नबियों की उम्मतों में किसी नबी को सबसे ज्यादा कौम ने सताया तो वो जनाब नूह है। इतना सताया कि 500 साल कौम के सताने पर, अजियत पर रोते रहे, बहुत रोए, इतना रोए कि ये अब्दुल गफ्फार अब्दुल मलिक नूह कहलाए, नौहा करने वाले। अब और आगे आप एक जुमला पॉइंट सुन लीजिए कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम जो है, इन्होंने 200 साल में कश्ती बनाई। अब आप महसूस होंगे अगर आप तैयार हैं कि मैं आपकी खिदमत में कुछ कह रहा हूं, बातें बहुत सारी हैं। जनाब नूह 2500 साल जिंदा रहे, 200 साल में कश्ती बनी, 950 साल कौम को तबलीग किया, 500 साल रोए कौम की अजियत पर, तरके औला पर, और भी रीजन है। और उसके बाद जब कश्ती बनाना शुरू किया तो कश्ती काहे की बनती है, बोलिए, लकड़ी की, तख्तों की, तख्ते जो होते हैं मिंबर तख्तों का है, ये मैं तख्ते पर बैठा हूं। जनाब नूह ने कितने तख्तों की कश्ती बनाई, सोचिए कितने तख्तों की, 1, 2, 5, 6, 10, 100, नहीं, पूरे 1,24,000 तख्ते। हम कब्र के ऊपर तख्ते बिछाते हैं, फली तख्ता जो भी कहते हैं, 1,24,000 तख्तों की कश्ती बनाई। अब 1,24,000 तख्ते जमा करने में तो 200 साल, दरख्तों से लकड़ी निकाली गई, काटी गई, मददगार चाहने वाले जिब्रील ने भी मदद की, मलाइका ने मदद की। 1,24,000 तख्ते क्यों, हर एक तख्ता एक नबी के नाम पर, सुन लीजिए आप। अब जनाब नूह ने तख्ते जमा कर दिए 1,24,000, और हर तख्ते के ऊपर एक नबी का नाम। लेकिन जनाब नूह ने तख्तों पे नबियों के नाम लिखे और इधर दूसरे काम से गए कि शैतान ने आकर सारे नामों को मिटा दिया। अब जनाब नूह आए कि नाम किसने मिटा दिए, फिर जनाब नूह ने 1,24,000 तख्तों पर पूरे नबियों के नाम लिख दिए, फिर शैतान ने आके मिटा दिया। जिब्रील आए, कहा या नूह, ये शैतान है जो आपको अजियत पहुंचा रहा है और सारे नाम मिटा रहा है। तो कहा क्या करूं फिर, कहा अल्लाह का हुक्म है कि पहले बिस्मिल्लाह लिखो। अब आप सोचिए और सुन लीजिए, और सबसे आखिर में मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात लिखो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इससे कीमती बात पूरे खमसे में नहीं आ सकती।
बिस्मिल्लाह है ना अल्लाह का नाम, इसलिए आज हम हर काम से पहले बिस्मिल्लाह और हर चीज में हम क्या करते हैं, सलवात पढ़ते हैं। तो कहने का मकसद क्या है, भाई ये लिखो फिर देखते हैं नाम मिटता है क्या। फिर नूह ने बिस्मिल्लाह से आगाज किया, सारे नबियों के नाम लिखे और आखिर में सलवात। अब मैं कुछ आपसे कह रहा हूँ जो अब तक आज माइक वैसा नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ, मुझे माफ करना, ये माइक बोल नहीं रहा, मैं थक जा रहा हूँ। अब खुद अंदाजा लगाइए, कल मैंने आपसे कहा था इधर आदम इधर नूह बीच में अली। मुसलमानों से कोई कहिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ शिया सुन्नी तारीख है, तारीख अंबिया, यानी शैतान नबियों के नामों को भी मिटा रहा है जबकि एक नबी लिख रहा है, और अल्लाह बता रहा है कि शैतान आ नहीं सकता, चाहे नबी का नाम क्यों ना हो, लेकिन शुरू में अल्लाह रहे और आखिर में अहले बैत। मैं कह रहा हूं कोई बात आपकी खिदमत में आज की मजलिस में, जहन में रखिए, हमारे फिरके शिया की बुनियाद ही दो चीजों पर है, यहां तक आवाज जा रही, वो दो चीजें क्या है, अल्लाह और अहले बैत। इसलिए कि हम ही वो हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं और हम ही वो हैं जो मातम भी करते हैं। नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि हम अल्लाह को अपनाते हैं, और मातम इसलिए करते हैं कि हम हुसैन और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अल्लाह करते हैं तो बिस्मिल्लाह लेते हैं, और अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं तो हम अहले बैत को लेते हैं। लिहाजा हमारे पास अल्लाह भी है, अहले बैत भी है। हम मस्जिद में पहले नमाज पढ़ते हैं और बाद में मजलिस शुरू होती है। अल्लाह और अहले बैत ये हमारी बेसिक है, अल्लाह और मोहब्बत अहले बैत। जनाब नूह ने कश्ती बनाई, नाम हो गए, 200 साल में कश्ती बनी, लेकिन जैसे ही तख्ते हुए नाम लिखे गए, जनाब जिब्रील ने ऊपर से थैली हाजिर कर दी, थैली। जनाब नूह ने कहा ये क्या है, तब तख्तों को जोड़ोगे कैसे, कहा बिल्कुल, कहो तो कीलों से जोड़ेंगे, तो कहा कीले आप मत लाइए, अल्लाह ने कीले दिए हैं। अब तो सुनिए आप, अब कितने कीले दिए, तारीख अंबिया शिया सुन्नी, 1,24,000 कील दे दी, एक रिवायत में कि 1,24,000 से ज्यादा। जनाब नूह साथी मलाइका और जिब्रील ने ठोकना शुरू किया, 200 साल में कश्ती तैयार हो गई, सारे कील ठोक दिए, लेकिन 5 कीले पड़े रही। अब जनाब नूह सारे कीले ठोकने के बाद 1,24,000 या ज्यादा, 5 कील, खीला जिसको कहते हैं, वो 5 के 5 पड़ी रही। अब अतराफ में लोग हैं, मलाइका हैं, जिब्रील हैं, मजदूर हैं, और जनाब नूह उठने लगे, चलो भाई शुक्रन लिल्ला कश्ती तैयार हो गई, तो अचानक क्या देखा कि जो 5 कीले ठोकने की बाकी रह गई ये चमकने लगी और उनमें नूर नमूदार हुआ। जनाब नूह ने पलट कर जो देखा कि ये 5 कील जो चमक रही, एक भी कील नहीं चमकी, इसमें नूर चमक रहा है। जनाब जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से कहा, ए नूर हुक्म खुदा ये है, जब तक ये 5 कील नहीं ठोकोगे कश्ती दरिया पानी को अबूर नहीं करेगी। कहिए इनमें नूर क्यों है, क्या तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ने सबको खाक से पैदा किया, ये वो है जिन्हें नूर से पैदा किया। ये 5 किलो में जो नूर है, एक में मोहम्मद का, अली का, फातिमा का, हसन का, हुसैन का, सलवात पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कश्ती तैयार हुई, पूरी दुनिया डूब गई और कश्ती में 80 लोग सवार हो गए। लेकिन अब और आगे सुन लीजिए आप, कश्ती आगे बढ़ती नहीं। जनाब नूह ने कहा परवरदिगार कश्ती तैयार हुई, तख्ते ठुक गए, कीले भी ठुक गई है, कश्ती आगे बढ़ने का हुक्म देखा नहीं। जिब्रील अमीन आए, आवाज आई, नूह इंतजार करो, इंतजार करो, कि तुमने 1,24,000 तख्ते ठोक दिए हर नबी के नाम के, लेकिन अभी अल्लाह एक तख्ती भेज रहा है, सुनिए जहां तक आवाज आ रही,
जब तक ये तख्ती नहीं लगाएंगे तुम्हारी कश्ती कश्ती नजात नहीं कहलाएगी। जिब्रील अमीन आए जनाब नूह की खिदमत में तख्ती पेश की और जैसे ही वो तख्ती जिब्रील ने दी तो रोशनी की वजह से पूरी कश्ती रोशन हो गई और जनाब नूह ने जो पढ़ना शुरू किया तो वो नाम मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन मोहम्मद और ये सारी जो दास्तान है ये तारीख अंबिया हयातुल कुलूब अल्लामा मजलिसी कससुल अंबिया और कससुल कुरान के रेफरेंस से मैं पढ़ रहा हूँ और सब बड़े बड़े मुज्तहिदीन अल्लामा और उलमा ने ये रिवायत नकल की और इस तरीके से अजमत अहले बैत हर दौर में जाहिर होती रही और इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो मैं किसी मजलिस में आपके सामने ये बयान कर दूंगा कि आदम खुदा की खुदाई से लेकर कयामत तक हर जर्रे 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 में उसने फजाइल आले मोहम्मद को रखा है। कोई इबादत खुदा की ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ने अहले बैत की फजीलत ना रखी हो, ये मैं चैलेंज करता हूँ आपके सामने, लेकिन वो अलग बात है कि हमें उसकी मारिफत नहीं है। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हुई और उसमें 80 लोग सवार हुए और जनाब नूह की कश्ती को नजात मिल गई। गुफ्तगू बहुत कुछ है लेकिन आज मुझे एक बेहतरीन जुमला आपकी खिदमत में रखना है, बाकी की बातें कल की मजलिस में रखूंगा, वो बहुत कीमती पॉइंट है, लेकिन गुजारिश है कि माइक को वैसा कर दे जैसे अब तक था। कहने का मकसद ये है कि जनाब नूह 500 साल तक रोए कौम की अजियत पर या तरके औला की बिना पर, लेकिन जनाब नूह का एक एजाज है, वो एजाज क्या है जनाब नूह का? किसी नबी को नहीं, हमारे पैगंबर को छोड़ दें, जनाब नूह जहाँ नाम अब्दुल गफ्फार अब्दुल मलिक ये सारे नाम है अब्दुल शकूर, वहाँ जनाब नूह को शेखुल अंबिया शेखुल मुरसलीन कहा जाता है। शेख यानी बुजुर्ग, सारे नबियों में सबसे बुजुर्ग जनाब नूह पैगंबर उम्र की बिना पर। लेकिन जनाब नूह अलैहिस्सलाम अब तारीख में इधर चलिए जरा कि 5 लोग ऐसे गुजरे बुका बुका खमसत अशखासिन फी हाजत दुनिया। क्या कह रहा इमाम कि 5 लोग दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरिया किया, यानी शुरू से लेके आखिर तक इन 5 से ज्यादा कोई नहीं रोया रूए जमीन पर, सबसे ज्यादा 5 लोग रोए। क्या सबसे ज्यादा 5 में पहले कौन? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। जनाबे आदम 100 साल से 500 साल तक रोते रहे। क्यों रोए? या तो जन्नत से निकाले जाने पर, या तो हव्वा की जुदाई पर, या हाबील के मारे जाने पर। और आदम के बाद दूसरी शख्सियत जो सबसे ज्यादा रोई वो जनाबे नूह अलैहिस्सलाम है। क्यों रोए वो मैंने आपको बताया, तरके औला पर या कौम की अजियत पर। अभी कौम की अजियत में कल लेके आगे नबियों को बढ़ाऊंगा जिसमें फजाइल आले मोहम्मद है। और तीसरी शख्सियत जो दुनिया में सबसे ज्यादा रोई वो कौन? जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम। 40 साल रोए। किसके लिए रोए? एक बेटा यूसुफ की जुदाई के ऊपर। और जबकि इल्मे नबूवत से जानते थे अल्लाह ने 11 बेटे दिए और जानते थे कि यूसुफ जिंदा है लेकिन निगाहों से दूर है, लेकिन इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई और नाबीना हो गए। और चौथी शख्सियत जो जमीन पर सबसे ज्यादा रोई वो कौन है? रसूल की इकलौती बेटी। अजादारो बड़ा कीमती फिक्र आज की मजलिस के लिए, मैंने आज कोई हक अदा नहीं किया मजलिस का। और पांचवी शख्सियत जो जमीन पर सबसे ज्यादा रोई वो हमारे और आपके चौथे इमाम सैयद सज्जाद 35 साल तक रोए। जरा सोचने का मकाम है, आदम क्यों रोए आपने सुना, नूह क्यों रोए आपने सुना, याकूब क्यों रोए आपने सुना,
लेकिन शहजादी कौनैन क्यों रोई है तो आपको मालूम है, सैयद सज्जाद क्यों रोई है तो आपको मालूम है, फातिमा बाबा की रहलत के बाद ए आलमे इस्लाम तुम्हारे रसूल की इकलौती बेटी, अरे कितनी मुश्किल से 18 साल तो जिंदगी थी, 18 साल में अपने बाबा की रहलत के बाद फातिमा 75 या 95 दिन जिंदा रहे, लेकिन 75 दिन फातिमा के लिए 75 साल के बराबर गुजरे। सुब्बत अलैया मसाइबुल्ला और नहा का मरसिया पढ़ा, इतना रोई सिद्दीक़ा ताहिरा सिद्दीक़ा कुबरा, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा, आलमीन की औरतों की सरदार फातिमा, मोमिनीन की औरतों की सरदार फातिमा, तौहीद परस्त औरतों की सरदार फातिमा, सैयदत निसाइल अव्वलीन वल आखरीन, शुरू और आखिर तमाम जमाने की औरतों की सरदार फातिमा, मरियम वो हाजरा वो सारा वो हव्वा और आसिया की भी सरदार फातिमा, पैगंबर कह रहे अल्लाह के हुक्म से, सैयदत निसाइल जन्ना जन्नत की औरतों की सरदार, सैयदत निसाइल मोमिनीन मोमिनीन की औरतों की सरदार, सैयदत निसाइल मुवाहिदीन जो अल्लाह को एक मानते हैं उन औरतों की सरदार, सैयदत निसाइल आलमीन आलम नहीं आलमीन की औरतों की सरदार, और सैयदत निसाइल अव्वलीन वल आखरीन, यानी जब से कायनात है तब से लेके कयामत तक जितनी औरतें सबकी सरदार, वो सैयदत निसाइल जन्मा जन्नत में जितनी औरतें जाएंगी सबकी सरदार, और ऐसी फातिमा कि जिसके आने पर मोहम्मद जैसा नबी एहतराम में खड़ा होता था, वो फातिमा इतना रोई, कभी बाबा की कब्र पर रोती, कभी अपने बाप और शोहर के चचा हमजा की कब्र पर रोती, रात की तारीकी में रोती, और यहाँ तक कि अली ने मदीने से दूर घर बनाया बैतुल हौज, वहां पर जाके फातिमा रोती थी, इसलिए नहीं कि सिर्फ बाबा की जुदाई, इतने उम्मत ने मसाइब ढाए बीबी पर, आप सुन सकते हैं तो सुन ही लीजिए, इसलिए कि इत्तेदा समझ में आ जाए, फातिमा के मसाइब में सिर्फ रसूल अल्लाह की जुदाई नहीं, उम्मत की बेवफाई नहीं, अली के गले में रस्सी डाला जाना नहीं, चलता हुआ दरवाजा गिराया जाना नहीं, मोहसिन की शहादत का शहीद होना नहीं, दुख्तरे रसूल नूरे पैगंबर सबसे अफजल पसनिया चूर चूर हुई इसलिए नहीं, सोचिए दरबार खिलाफत में रसूल की बेटी को छुटलाया गया इस पर रोई, कागज के ऊपर बागे फदक की प्रॉपर्टी और मीरास लिख दी गई, फिर उस कागज को फातिमा के हाथों से छीन कर फाड़ा गया इसलिए रोई, अली का हक खिलाफत और कदीर को छीना गया इसलिए रोई, अपनी निगाहों में वाकई करबला को रखती थी तो रहती थी कि जब अली की जिंदगी में इतना जुल्म हो रहा है तो कल ना अली होंगे ना मैं रहूंगी ना हसन होगा मेरे हुसैन पता गुजरे, इसलिए फातिमा रोई इतना रोई इतना रोई, और फिर उसके बाद सैयद सज्जाद का रोना, आप सुन सकेंगे नहीं अगर मैं फातिमा के इंसाफ पढ़ू, खाली एक जुमला पढ़ता हूं, अगर लेना है तो जुमला लेते जाइए, शहजादी फातिमा के हाथों से बागे फदक का कागज छीना गया, उस कागज पर थूका गया, उस कागज को फाड़ा गया, फाड़ने के बाद जिस किसी ने भी उसको पैर से रौंदा गया, आगे का जुमला मैं नहीं पढ़ता, मुस्तहदीन रातों में उठकर रोते हैं और कहते हैं कि जब इमाम जमाना को कुछ मनाजिर याद आते हैं, एक अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकालना, एक खैमे में आग लगना, एक ज़ैनब की चादर छीनना और एक फातिमा का कागज फाड़ना, जब इमाम ज़माना सोचते हैं तो ज़ुल्फ़िकार हैदरी खुद ब खुद उठना शुरू होते हैं, अज़ल्ले वली अल फराज, इमाम ज़माना बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हुक्म खुदा की आवाज आती है,
सब्र सब्र सब्र, ये इतने मसायब हैं कि जुल्फिकार बर्दाश्त नहीं करती। मेरे पास वक्त नहीं है मैं पॉइंट बयान करता। लिहाजा फातिमा की निगाह में सबसे बड़ा गम करबला, और निगाह में हुसैन, अली जैसा शेर खुदा, अली जैसा मुश्किल कुशा, अली जैसा बाबे खैबर उखाड़ने वाला, मरहबो अंतर को पहचानने वाला, 70 इस्लाम की जंगों को जीतने वाला, जब उसकी हयात में इतने जालिमों ने जुल्म ढाए, तो मेरा हुसैन तो अकेला रहेगा। ना हसन होगा ना अली, ना मैं रहूंगी ना बाबा मोहम्मद, मेरा हुसैन अकेला रहेगा। मैं कहूंगा फातिमा फिक्र न करो, फिक्र न करो, अल्लाह तेरे हुसैन को अब्बास जैसा भाई दे देगा, अल्लाह तेरे हुसैन को अली अकबर जैसा बेटा देगा, अल्लाह तेरे हुसैन को औलो मोहम्मद जैसे भांजे, कासिम जैसा भतीजा। फातिमा ये तो हुसैन के अपने होंगे, लेकिन फातिमा खुश हो जाइएगा, आप फिक्र मत कीजिए, अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज बुलंद है, इतना सुन लीजिए। ए शहजादी तौलेन, ए मासूमा आलमीन, आपके नाम पर पूरी दुनिया और हमारी जाने कुर्बान हो। शहजादी शरई मसला ये है, शरीयत का ऑर्डर ये है, मराजईन का मुश्तहरीन का फतवा ये है कि नामे फातिमा को बगैर वजू भी टच नहीं किया जा सकता, बगैर वजू मस करना हराम है, इतना मर्तबा है शहजादी का। शहजादी आप गम मत कीजिएगा, अली अब्बास तो हुसैन के अपने हैं, कासिम अपने हैं, अली अकबर अपने हैं, औलो मोहम्मद अपने हैं। शहजादी हुसैन की फिक्र मत कीजिए, अल्लाह हुसैन को ऐसे सहाबी देगा कि तेरा हुसैन उन पर फख्र करेगा, कहेगा जैसे साथी मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना बाबा अली को, ना भैया हसन को। ए शहजादी फिक्र मत कीजिएगा, अल्लाह आपके हुसैन को ऐसा दोस्त देगा जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने मौला पर जान को कुर्बान करेगा। और आ गई 4 मुहर्रम, जब हुसैन का खत हबीब की खिदमत में पहुंचा, हबीब दस्तरखान पर, कासिद ने खत दिया, हबीब ने कसले खत लेकर सर पर रखा, चूमा, भोसा दिया। बीवी ने पूछा हबीब किसका खत है, मौला हुसैन का। का क्या लिखा, क्या लिखा है, हम नरगाह आदा में घिरे हैं, क्या मुमकिन है तुम हमारी मदद को पहुंचो। जैसे ही बीवी ने ये सुना, मोमिना ने, हबीब क्या सोच रहे हो, क्या ये सोच रहा हूं कि जाऊं या ना जाऊं, अगर चला गया तो तुम्हारी खबर कौन रखेगा। जैसे ही सोचे हबीब ने ये सुना, तड़प कर खड़ी हो गई, अपनी चादर को सर से हटाया, हबीब ये मेरी चादर तुम पहनो, फातिमा का लाल बुला रहा है और तुम जाने में कश्मकश कर रहे हो। जैसे ही मोमिना के जज्बात को देखा, हबीब ने तड़प कर आवाज दी, ए मोमिना, अरे मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, भला मेरा मौला बुलाए और मैं ना जाऊं। अरे बस आलात ने क्या लिखा, हबीब ने घोड़ा गुलाम को दिया, इसलिए कि कूफे के हालात ऐसे, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, हर जगह इब्नी ज़ियाद के सिपाही, नाकाबंदी। गुलाम घोड़ा लेकर बाग के पास रुक गया, हबीब ने बीवी को अलविदा किया, क्या मोमिना, क्या मोहब्बत, क्या विलायत। सौदे हबीब कहती, हबीब जरा भी करबला पहुंचने में देर न करना, ऐसा ना हो कि तुम जब पहुंचो जब मौला शहीद हो जाए। बस हबीब बाग के पास पहुंचे, पहुंचने में देर हुई, गुलाम कहता है घोड़े से, ये घोड़े अगर मेरा आका हबीब ना आया तो फर्जंदे रसूल की नुसरत को मैं करबला चलूंगा। हबीब ने घोड़े से गुफ्तगू सुन ली गुलाम की, सरों पर रुखसारों पर तमाचे मारे, अल्लाह रे आले मोहम्मद के गुलाम भी जाना कुर्बान करने को तैयार। मकातिल ने बहुत कुछ लिखा, हबीब करबला की तरफ चले, इधर हुसैन ने असहाब को आवाज दी, कूफे की तरफ से गर्द नमूदार हुई, कहा मेरे साथियों आगे बढ़ो, मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। हुसैन ने असहाब के साथ हबीब का इस्तकबाल किया। अज़ादारो तसव्वुर शर्त है, क्या अंदाज होगा बचपन के दोस्त हबीब के इस्तकबाल का, सरदार जन्नत इस्तकबाल कर रहा है,
सारे साहब सरों पर अम्मा में लगे हैं, पट्टे पट्टे बंधे हैं, तलवारें सजी हुई हैं, चेहरों पर सजदे के निशान, सबके चेहरों से नूर चमक रहा, सितारों के बीच में चांद, बचपन का दोस्त आ रहा। अरे जैसे ही हबीब आए, गोले से छलांग लगा के अपने आप को हुसैन के कदमों पर गिरा दिया। हुसैन ने बाजू पकड़ के सीने से लगाया। मैंने मजलिस खत्म की, हबीब के आने की खबर खैमे में पहुंची। खैमे में फातिमा की बेटियां हैं, जिनकी माँ का जनाजा शब की तारीकी में उठा, जिनकी माँ इतना रोई कि कोई इतना न रोया। जैसे हबीब की खबर शहजादी जैनब के खैमे में आई, फिजा को आवाज दी, फिजा कौन आया? क्या शहजादी मौला के बचपन का दोस्त आया है? अरे जैसे हबीब ने सुना, शहजादी जैनब के चेहरे पर खुशी के आसार। ए फिजा, जरा जाकर हबीब को हमारा सलाम कह देना, कहना हबीब तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ऐसे वक्त में पहुंच गए। इधर फिजा तेरे खाना पर आई, आवाज दी, हबीब अली फातिमा की बेटियां आपको सलाम कह रही है। अरे जैसे ही शहजादी का सलाम सुना, सर से अम्मामा फेंका, अपने आप को जमीन करबला पर गिरा दिया, रुखसारे पे तमाचे मारे, हाय रे आले मोहम्मद। वो वक्त आ गया कि शहजादियां गुलामों को सलाम दे रही। मैं कहूंगा हबीब, अभी ज़ैनब का सलाम बर्दाश्त न हुआ, अल्लाह रखे अब्बास मौजूद, हुसैन जिंदा, अली अकबर मौजूद, मुस्लिम इब्ने औसजा मौजूद। ए हबीब, जरा से आशूर के बाद आइए, यही आपकी शहजादी ज़ैनब बुलंदी पर खड़ी है, शिमर का कुंद खंजर, हुसैन का गला है, ज़ैनब आवाज दे रही है, कोई जवाब नहीं देता। जब जवाब न मिला तो उमर सात को आवाज दी, ए उमर सात, मेरा माजाया जिबा हो रहा और तू खड़ा तमाशा देख रहा।